अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी अनदर रिव्यू वीडियो। और आज का जो हमारा रिव्यू प्रोडक्ट है उसका नाम है जी, ये बेटिस्टे के इंस्टेंट हेयर फ्रेश ड्राई शैम्पू। अच्छा सो ये मैंने तकरीबन 3 मंथ्स पहले बाई किया था, तब से मैं ट्राई कर रही थी। और हाँ, इससे पहले मैंने कभी भी ड्राई शैम्पू यूज़ नहीं किया है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे आइडिया भी नहीं था एक्जैक्टली होता कैसा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिया है मैंने ये। तो खैर, अब मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ अच्छा खासा, अब मैं आपसे अपने प्रॉपर रिव्यूज़ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने बाय किया था बैग गैलरी वेबसाइट से, वहाँ से मैंने लिया था। आई थिंक कोई सेल चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त सी, उस टाइम मैंने 800 रुपीज़ का लिया था। बट अभी विदाउट सेल आई थिंक ये आपको 1000 रुपीज़ तक का मिलेगा। बाय द वे, इसकी एक छोटी वाली बॉटल भी आती है, वो 700 तक की मिल जाती है। तो आपको ट्राई करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं, लिंक्स मैं कुछ ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द रिव्यू। तो सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली ड्राई शैम्पू होता क्या है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूँ ना, तो इट इज़ लाइक अ ऑल्टरनेटिव टू स्किप हेयर वॉश। आपको अगर अर्जेंटली कहीं जाना है, आप अपना हेड वॉश नहीं कर सकते, उनको सुखाने में स्टाइल करने में टाइम लगेगा, तो आप बस इंस्टेंटली ये ड्राई शैम्पू यूज़ कर लेते हो। इससे होता ये है कि आपकी ग्रीसीनेस जो बालों में होती है वो कम हो जाती है, आपके बाल फ्रेश लगते हैं, वॉल्यूम आ जाता है बालों में, बाल क्लीन लगते हैं और बाउंसी लगते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा पूरा वीक ऐसे निकाल दो बिना हेयर वॉश के, इस तरह भी काम नहीं करेगा। मतलब ऑलमोस्ट एक दो दिन एक्सटेंड कर सकता है बस ये आपके, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आई थिंक इट्स रियली गुड एंड कन्वीनियंट, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेंस या फिर जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जा रही होती हैं गर्ल्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी इसके अलावा जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है उनके साथ तो इनफैक्ट ऐसा होता है, जिस दिन वो हेयर वॉश करते हैं उसी दिन से बाल ग्रीसी होना स्टार्ट हो जाते हैं 1-2 घंटे बाद। मतलब जिनकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन होती है बालों की, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वो ट्राई कर सकते हैं, कम से कम उनके बाल ग्रीसी नहीं लगेंगे, अपीयरेंस वाइज बुरे नहीं लगेंगे। अच्छा सो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर इट कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपको उसकी बॉटल को अच्छे से शेक करना होगा, उसके बाद अपने बालों को ब्रश करें और फिर कम से कम 8 से 10 इंच के फासले से ना अपने बालों की रूट्स पे स्कैल्प पे सेक्शंस कर करके पूरे बालों पे अपने उसको स्प्रे करना है रूट्स पे। और उसके बाद कम से कम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें सेटल होने के लिए, क्योंकि इसमें पाउडर फॉर्म होती है। और एग्जैक्टली इसका टेक्सचर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ आगे। उसके बाद तकरीबन 2 मिनट ऐसे छोड़ने के बाद अच्छे से मसाज करना होगा, क्योंकि इसकी जो अंदर से पाउडर होता है वो बिल्कुल वाइट होता है। अगर आप इसको मसाज नहीं करोगे तो वाइट वाइट रह जाएगा आपके बालों में। तो उसको इतना मसाज करना है कि वो बस गायब हो जाए सारा पाउडर, दैट्स इट। आपके बाल बिल्कुल ग्रीसी नहीं रहेंगे, सारा ऑयल वो पाउडर जज्ब कर लेगा और बाउंसी और काफ़ी वॉल्यूमिनाइज हो जाएंगे आपके बाल। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माई ऑनेस्ट ओपिनियन, और जो मेरा अपना ऑनेस्ट रिव्यू है वो शेयर करती हूँ आपसे, जो मुझे फील हुआ था उसको यूज़ करके। तो इसका पहला बेनिफिट तो मुझे यही लगा था कि ज़ाहिर है डेली अपना हेयर वॉश करना आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, डेली शैम्पू करने से बाल ख़राब हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स गुड, क्योंकि आपके हेयर वॉश को 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड कर देता है ये। अच्छा, बाकी इसके अलावा इट इज़ रियली गुड फॉर दूस जिनकी ऑयली स्कैल्प रहती है या बहुत जल्दी बाल ग्रीसी हो जाते हैं। इसके अलावा वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बाकी इसके अलावा ये जो हेयर स्टाइलिंग वगैरह में जिनको इश्यूज होते हैं कि अपने बाल जब हम स्ट्रेट करते हैं या कर्ल करते हैं, रोल करते हैं, तो वो हेयर स्टाइलिंग के कुछ देर बाद ही बाल बहुत चिपटे से लगने लगते हैं सामने से, तो वो अच्छी लुक नहीं देता। जाहिर है बाउंसी बालों की अलग बात होती है, तो उनके लिए भी अच्छा है, आपके बाल काफ़ी देर तक बाउंसी रहेंगे। बट आई वुड से इट्स नॉट एन एसेंशियल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा भी कोई शॉकिंग या मेसमराइजिंग काम नहीं करता है ये, मतलब इसके बिना आप काम चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं टेक्सचर दिखा रही हूँ उसका, जस्ट लुक एट इट हाउ इट्स लुक लाइक। आप देख सकते हो लेजिट में ये बस एक पाउडर है बस, इसमें हाँ थोड़ी सी मिंट की स्मेल आ रही है, अदरवाइज इट्स जस्ट अ पाउडर। मैं आपको अगेन स्प्रे करके दिखा रही हूँ, आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल पाउडर है ये। सो आई थिंक यू कैन डू अ DIY। आप नॉर्मल टेलकम पाउडर यूज़ कर सकते हो, वो आपके ड्राई शैम्पू की तरह काम करेगा, ऐसे ही पाउडर होता है, क्योंकि वो भी बस इसको ड्राई शैम्पू का लेबल देके थोड़ा फैंसी सी चीज़ बना दी, अदरवाइज इट्स नथिंग, जस्ट अ पाउडर। अच्छा सो इस ड्राई शैम्पू को मैं रेटिंग दूंगी 7 out of 10, वो भी 7 इसलिए कि सुनने में थोड़ा न्यू सा लग रहा था कि अच्छा हाँ ड्राई शैम्पू भी कोई चीज़ है। लेकिन मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताया और आपको मैंने है कि बता दिया कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, सो पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए मेरी बाकी वीडियोज़ भी जरूर चेक कीजिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़ अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अपना अपना ख्याल रखिएगा।